तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 17 तारीख से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होगा। ऑलरेडी भारतीय टीम 1-0 की बढ़त बना चुकी है। बोरा गावस्कर ट्रॉफी, जिसका कि हाइप इतना ज्यादा था कि पता नहीं सबसे शायद द टफ कॉम्पिटिशन हो टीम इंडिया के लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि भारत को भारत में हराना इतना आसान काम नहीं है, और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बाकी टीमों को हरा रही थी अपने घर में, उतना ही मुश्किल चैलेंज अब ऑस्ट्रेलिया के लिए भारतीय टीम को उनके घर में हराना है। क्योंकि इस समय भारतीय टीम ने जो जीत दर्ज की है नागपुर में, वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। एक पारी 132 रनों की बड़ी जीत टीम इंडिया ने हासिल की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कोच जो एंड्रयू मैकडोनल्ड है, उनका बड़ा बयान आया है टीम इंडिया को लेकर, और क्यों भारतीय टीम लगातार जीत रही है और क्या ऑस्ट्रेलियाई टीम पहले ही हार मान चुकी है। आपको बता दें कि एंड्रयू मैकडोनल्ड ने स्टेटमेंट दिया है जहां पर कि उन्होंने कहा कि भारतीय टीम जो है वो इस वजह से जीत रही है, और वजह उन्होंने कहा कि हमारे पास में यानी कि इंडिया के पास में जो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, जिस तरीके से आप रविचंद्रन अश्विन की बात कर लें या फिर आप बात कर लें अक्षर पटेल की या फिर रविंद्र जडेजा की और बहुत हद तक मोहम्मद शमी भी, उनका कहना है कि लोअर ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं भारतीय टीम के पास में वो जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उनकी गेंदबाजी भी शानदार है और उनकी बल्लेबाजी भी शानदार है। खासतौर पर तीन प्लेयर्स का उन्होंने नाम लिया, जहां पर कि रविचंद्रन अश्विन का नाम लिया, रविंद्र जडेजा का, अक्षर पटेल का। उन्होंने कहा कि इनकी गेंदबाजी का सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और ये बल्लेबाजी भी बहुत बढ़िया तरीके से लोअर ऑर्डर में जाकर कर देते हैं, रन बना देते हैं, जिसकी वजह से हम बार बार बैकफुट पे जा रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये समस्या थ्रू आउट द सीरीज शायद हमें देखने को मिले, यानी कि थ्रू आउट द सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के खिलाफ में स्ट्रगल करती हुई नजर आए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल एज वेल एज रविंद्र जडेजा, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी करते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ये मेन डिफरेंस है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज में। और उन्होंने कहा कि इस तरीके की परेशानी जो है वो पूरे सीरीज में शायद हमें देखने को मिले, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनल्ड ने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि सीरीज में रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल एंड आपके ये रविंद्र जडेजा, इन तीनों के सामने में ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी सी फीकी पड़ते हुए नजर आ रही है, ना सिर्फ गेंदबाजी के मामले में बल्कि इनकी बल्लेबाजी के मामले में भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास में वो डेफ्थ नजर नहीं आ रहा है। जबकि भारतीय टीम के लिए आकर देखें तो शमी भी रन बनाकर जा रहे। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में इस बयान का मतलब यह है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इनडायरेक्टली हार मान लिया है, या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो पलटवार करने वाली है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जैसे मैं बार बार कहता हूं कि हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स टॉक पर देखने को मिलेगी, तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा और बने रहिएगा स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।